एक्सरसाइज का 20 नंबर का न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसके पहले भी मैंने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स के 2 वीडियो अपलोड किए, तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो, अदरवाइज ऊपर आई बटन पे पर क्लिक करके देख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज का 20 वाला न्यूमेरिकल। सो क्या दिया आपके स्क्रीन पर, कॉइलिंग स्ट्रिंग द वाइब्रेट्स विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड की वैल्यू दी है हमें 440 हर्ट्ज इतनी। ओके, व्हाट्स आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड और टोन्स, मतलब N1 एंड N2, मतलब फर्स्ट, ये तो हुआ हारमोनिक्स वाला। ओके, फर्स्ट हारमोनिक्स, तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट हारमोनिक्स के बाद की, मतलब फर्स्ट और टोन एंड सेकेंड और टोन, मतलब N1 एंड N2 हमें कैलकुलेट करना है। और इट मतलब देखो, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ये रिजिड सपोर्ट है, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग क्या कर रही है, एक लूप बना रही है। ओके, तो ये लूप बना रही है, तो उसकी मतलब वॉयलिन मतलब एक स्ट्रिंग ही होती है ना, स्ट्रिंग की बात कर रही है। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है, मतलब ये N1 इज इक्वल टू 2M, इसके है एक फर्स्ट ऑर्टोन निकाल सकते हैं, उसके बाद का मतलब ये N2 इज इक्वल टू 3N, मतलब ये सेकेंड ऑर्टोन होगा। तो फर्स्ट ऑर्टोन के लिए N1 इज इक्वल टू 2N, तो N की वैल्यू ऑलरेडी हमें दिए, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें दिए, सो N1 इज इक्वल टू 2 इंटू 440, सो N1 इज इक्वल टू क्या होगा, 880 हर्ट्ज इतना। सो N1 हमने फाइंड कर दिया, N1 मतलब क्या है, क्या करना था, फर्स्ट एंड से निकालना, तो फर्स्ट ऑर्टोन निकल गया, तो सेकेंड ऑर्टोन कैसे निकलेगा, सो N2 इज इक्वल टू 3 इंटू ये 440। ओके, सो N2 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1320 हर्ट्ज इतना हमारा फाइनल आंसर आएगा। सो N1 एंड N2 हमने फाइंड कर दिया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं, 21 नंबर का न्यूमेरिकल्स देखो आपके स्क्रीन के ऊपर। अ सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फॉर्क इज अरेंज इन सीरीज, मतलब 8 ट्यूनिंग फॉर्क है, सो सपोज कंसिडर करो ये फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, ये सेकेंड, ये थर्ड, ऐसे अप टू कितने हैं, 8 ट्यूनिंग फॉर्क है। ओके, सो यहाँ पे ये 8 नंबर का, ये 1, 2, 3 एंड 4। ओके, सो इसकी मतलब मैं फ्रीक्वेंसी, मतलब ये N1, ये N2, ये N3 अप टू N8 तक होगी, क्योंकि 8 हमें सीरीज में दिए। ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ईच फोर्क गिवन 4 बिट्स पर सेकेंड विद द नेक्स्ट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फोर्क इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, N2 मतलब यहाँ पे बिट्स दिए हमें, 4 बिट्स दिए, मतलब हम मैं ऐसा लिख सकती हूँ N2 माइनस N1 इज इक्वल टू 4, 4 बिट्स दिए है ऑलरेडी। उसके बाद क्या दिया है, देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लास्ट फोर्क मतलब यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला N8। ओके, उसके बाद क्या दिया है, द टॉइस ऑफ द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाला N1 इज इक्वल टू N1, तो 8 मतलब यहाँ पे बीच में क्या है, टॉइस मतलब रिलेशन दिया है ये 2, सो N8 इज इक्वल टू 2N1, ये रिलेशन दिया है। सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फर्स्ट एंड लास्ट फोर, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट फोर की, मतलब N1 की हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और N8 की हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। सो जैसे हमने अभी प्रॉब्लम किया था सेम वैसे ही, बस हमें कुछ बातें याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे ये N1 से लेके N2 N3 अप टू N8 तक की हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क की सीरीज है, तो भी मैं ऐसा लिख सकती हूँ यहाँ पे ये N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 4 क्यों, बिकॉज हमें 4 ऑलरेडी यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क दिया है। ओके, सो बिट्स दिए उसने, इसलिए हमने N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 4, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलती हूँ। ओके, सो अभी देखो वैसे N3 के लिए, यहाँ पे जैसे मैंने N2 इज इक्वल टू N1 लिखा, तो ये N3 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे N2 होगा, N2 प्लस 4। ओके, सो N2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करती हूँ N3 की जगह पे, मतलब N3 इज इक्वल टू N2 कितना है, N1 प्लस 4। ओके, ये प्लस 4 बचा है। सो अभी देखो ये N3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये N1 जैसे वैसे, यहाँ पे 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है, बट मैं यहाँ पे 2 इंटू 4 लिखती हूँ। ओके, जैसे ब्रैकेट में लिखती हूँ, 2 इंटू 4 मतलब क्या होता है, 4 × 2 = 80 होता है ना। सो ये हुआ हमारा इक्वेशन 2। अभी देखो यहाँ पे ये N1 N2 निकाल लिया, ये हुआ पहला वाला, N3 निकाल लिया, वैसे मैं N4 का निकालती हूँ, तो ये N4 इज इक्वल टू क्या होगा, N3 प्लस 4, समझ गए ना, बिकॉज N3 इज इक्वल टू क्या था, N2 प्लस 4, सो N4 इज इक्वल टू क्या होगा, N3 प्लस 4 होगा। ओके, उससे पिछला वाला नंबर, मतलब ये N3 होगा। ओके, सो N4 इज इक्वल टू, यहाँ पे N3 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं N3 की जगह पे, सो N1 प्लस 2 इंटू 4, और ये बचा हुआ 4 यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, सो अभी देखो ये 4 × 2 =
एट होता है, ओके सो ये 4 2 8 हुआ हमारा, और उसके बाद क्या है बचा हुआ 4, मतलब ये टोटल हमारा कितना होता है 12 होता है, इतने टर्म के लिए कैलकुलेट करते तो. सो एन फोर इज इक्वल टू एन वन, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 4, ओके 3 × 4 कितना होता है 12 ही होता है ना. सो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देती हूँ. सो हमने पहले एन टू निकाला, उसके बाद एन थ्री निकाला, अभी एन फोर निकाला. ओके सो अभी देखो मैं ऐसा कंसिडर कर सकती हूँ, जैसे हमने एन टू निकाला, एन थ्री निकाला, एन फोर निकाला, तो वैसे डैश डैश करके मैं n8 निकालती हूँ. सो n8 निकालती हूँ तो यहाँ पे देखो n2 में क्या है, n2 के पहले वाला नंबर लिया है, n1 लिया है, यहाँ पे n3 के पहले वाला नंबर लिया है, यहाँ पे n3 के पहले वाला नंबर जो है वो n2 लिया है, और यहाँ पे भी देखो n4 के पहले वाला नंबर n3, तो n8 के पहले वाला क्या आएगा यहाँ पे n7 आएगा. ओके प्लस 4 तो सभी जगह पे कॉमन दिख रहे हैं इसलिए मैंने 4 यहाँ पे कॉमन लिख लिया. गॉट इट. सो फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ये n8 वाले जो टर्म है यहाँ पे n2 क्या दिया था, n2 n1 प्लस 4 लिया था, मतलब पहले वाला नंबर n1 लिया था, n2 का पहला नंबर क्या है n1 है. सो सेम एज n3 की बात करेंगे, n3 इज इक्वल टू n2 लिया था, सेम एज n4 इज इक्वल टू n3 लिया था पहले वाला. सो सेम एज n8 इज इक्वल टू n7 प्लस 4 हो जाएगा वो. अभी देखो ये n8 इज इक्वल टू n7 की टर्म क्या रहेगी फिर, अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं बट हम डायरेक्टली सीरीज के फॉर्म में इतने सारे कैलकुलेट करने से बेटर हम लोग डायरेक्टली n8 फाइंड कर रहे हैं. ओके सो अभी देखो इसको कैलकुलेट करते समय आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे n3 दिखा है, n3 के जगह पे देखो n3 और n4, यहाँ पे n1 n1 हमें कॉमन मिल रहा है, सो मैं यहाँ पे n1 लिख सकती हूँ. ओके प्लस अभी देखो यहाँ पे 2 × 4 मतलब ये कैलकुलेट करके लिखा है, यहाँ पे भी हमने ये कैलकुलेट करके लिखा है, तो इसके पहले वाली टर्म देखो यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे भी हमें 4, मतलब 4 वाली जो टर्म है वो हमें कॉमन दिख रही है, बट यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है, यहाँ पे पहले वाले टर्म में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 7. ओके मतलब उसके पहले वाला नंबर. सो ये क्या होगा, n8 इज इक्वल टू n1 प्लस 7 4 7 4, मतलब 7 4 जा कितने होते हैं 28 ही होते हैं ना. सो इसको इक्वेशन नंबर 4 देती हूँ. अभी हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन था, क्या रिलेशन था हमारे पास, रिलेशन था n8 इज इक्वल टू 2 n1. ओके सो इस रिलेशन को देखते हैं हम, सो n8 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है और हमारा रिलेशन भी क्या है, n8 इज इक्वल टू 2 n1, ये हमारा स्टार्टिंग का रिलेशंस है. ओके सो इसी पे हमने n8 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, 2 n1 फाइंड करते हैं. तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं इस साइड शिफ्ट कर रही हूँ इसको. सो ये क्या होगा, n8 की वैल्यू क्या है, n1 28. ओके समझ गया, 28 कैसे है, 7 × 4 मतलब ये 28 हुआ. ओके n1 जैसे वैसे, और यहाँ पे ये 2 n1, सिर्फ हमने n8 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दिया, n8 की वैल्यू. ओके गॉट इट. सो अभी n1 इज इक्वल टू क्या होगा, ये n1 अगर इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो 2 n1 में से 1 n1 गया तो ये ओनली 1 n1 बचा और ये 28 n1 फाइंड कर लिया. तो उसी तरह हमें अभी n8 फाइंड करना है, तो n8 का ऑलरेडी हमारे पास रिलेशन है ये वाला, तो इस रिलेशन में हम देखो ये कैसे करते हैं, n8 इज इक्वल टू 2 n1, मतलब ये क्या होगा, n8 इज इक्वल टू 2 × 28. ओके n1 ऑलरेडी हमने फाइंड किया, तो हमारे आंसर आएगा n8 इतना आएगा, 56 हर्ट्ज इतना आएगा. सो हमें n8 भी निकाल लिया, n1 भी निकाल लिया और n8 भी निकाल लिया, हमें फर्स्ट एंड लास्ट वाला ही टर्म का कैलकुलेट करना था, ये फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला. सो फर्स्ट वाला था n1 इज इक्वल टू 28 हर्ट्ज एंड n8 इज इक्वल टू 56 हर्ट्ज. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. सो एक्सरसाइज का 22 नंबर का एग्जाम्पल देखो आपके स्क्रीन के ऊपर. अ सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेच्ड बाय द टेंशन ऑफ 40 न्यूटन, मतलब टेंशन दिया है उन्होंने. सो 40 न्यूटन का टेंशन दिया है, उसके बाद आगे क्या दिया है, इट वाइब्रेट्स इन अ यूनिसॉन विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी भी दिए, सो एन इज इक्वल टू 384 हर्ट्ज इतनी फ्रीक्वेंसी दिए. उसके बाद क्या है, द बीट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितने बीट्स निकालने हैं वो हमें बताना है. ओके सो उसके बाद क्या है, इफ द टेंशन ऑफ द वायर इज डिक्रीज बाय 1.4 न्यूटन, डिक्रीज हो रहा है, टेंशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो मैं यहाँ पे टेंशन मतलब इसको मैं T1 नाम दे सकती हूँ, ये T2, सो डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये ओरिजिनल कितना था 40 न्यूटन था, उसमें से 1.24 न्यूटन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो T2 इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 38.76. ओके सो T2 भी मिल गया और T1 भी हमारे पास ऑलरेडी है, T1 में. सो ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने डिक्रीज मतलब कि माइनस किया है.
ओके ये ऑलरेडी हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है, हमें बिट्स मतलब बिट फ्रीक्वेंसी n1 माइनस n2 निकालना है। ओके समझ गए, n1 एंड n2 बिट्स फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो हमारे पास n का रिलेशन है, मतलब फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/12। एक स्ट्रिंग की बात चल रही है, ओके सो स्ट्रिंग में क्या था, 1 t/n। ओके सो ये रिलेशन था, सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t था। ओके ये हमने रिलेशन देखा है, सो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं n1/n2 √t1/t2। अगर यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता, मतलब अगर 1/√t था रहता, तो इनवर्स में हम क्या लेते थे, यहाँ पे t2/t1 लेते थे। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए हम डायरेक्टली t1/t2 ले रहे हैं। ओके सो अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करती हूँ। n1 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, इसको n1 नाम देती हूँ। n1 की है 384। ओके सो 384 n1 की वैल्यू रखी। n2 की वैल्यू क्या है, हमें फाइंड करनी है। n2 इज इक्वल टू √ यहाँ पे कितनी वैल्यू है, t1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 40 N ऑलरेडी दी है गिवन में। और t2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 38.76। ओके 38.76 ये हमारे पास t2 की वैल्यू है। अभी देखो इसको कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, सो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 384 डिवाइडेड बाय n2 जैसे वैसे रख रही हूँ। इसको मैं 40 को मैं ऐसा लिख सकती हूँ, मतलब 10 × 4, मतलब ये भी 40 होता है, ये नीचे जैसे है वैसे रख रही हूँ, 38.76। ओके अभी देखो यहाँ पे मैं इस साइड क्या कर रही हूँ, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो मतलब ये क्या, ये टर्म रहेगी 384 डिवाइडेड बाय n2 इज इक्वल टू, ये अभी क्या है 10 × 4 है, तो इसका स्क्वायरिंग करती हूँ तो मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा। ओके ये होगा √10, ये होगा 38.76। ओके क्लियर हुआ यहाँ तक। अभी देखो मैं इसको रिवर्स करती हूँ, मतलब उल्टा करती हूँ, ये n2 जो है वो ऊपर लेके जाती हूँ, ये 384 इज इक्वल टू ये होगा 1/2, और ये रिवर्स में उल्टा हो जाएगा, मतलब 38.76 और डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। सिर्फ कुछ नहीं किया, रिवर्स किया इसको, क्योंकि n2 हमें कैलकुलेट करना है इसलिए। ओके सो अभी n2 कैलकुलेट करना है, अगर मैं मुझे 192 आंसर आता है और मैं इसका √ में 38.76 लेती हूँ। ओके सो ये 38.76 आपको लॉग टेबल्स में देखना पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट में, इसके पहले भी मैंने आपको स्क्वायर रूट वाले कैसे निकालते लॉग टेबल्स में वो भी पढ़ाया। सो n2 इज इक्वल टू 192 इज इक्वल टू 1.968। ओके मैंने डायरेक्टली निकाला है √ 38.76 का जो स्क्वायर है। ओके स्क्वायर रूट बस में देखोगे तो 1.968 आता है। ओके सो n2 इज इक्वल टू 1.968 इंटू ये 192 होता है, सो n2 इज इक्वल टू क्या होगा फिर 378.00। ओके सो n2 हमने फाइंड कर लिया है। ओके मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमें क्या पूछा है, बिट्स पर सेकेंड, मतलब n1 माइनस n2 पूछा है। तो n1 कितना है 384 और n2 कितना है अभी हमने फाइंड किया है 378 है, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। सो इन 2 सेकेंड के लिए, हमारा आंसर क्या आएगा, 2 × 6, मतलब ये कितना होता है 12 bits। तो हमें यही फाइंड करना था कि हमारे बिट्स कितने होते हैं, सो हमारे 2 सेकेंड में जो है वो बिट्स होते हैं 12 bits होते हैं। सो आई होप आपको ये 22 नंबर का न्यूमेरिकल्स क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो 23 नंबर का न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर, और सोनोमीटर वायर ऑफ द लेंथ 0.5 मीटर, मतलब एक सोनोमीटर की लेंथ दी है 0.5 मीटर वायर की। उसके बाद क्या दिया है, वेट ऑफ 5 kg, वेट भी दिया है 5 kg। ओके सो मतलब वेट मतलब टेंशन में ले सकती हूँ mg, सो क्या होगा ये 5 × 9.8। ओके सो उसके बाद क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी भी दी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी दी है 100 Hz इतनी। ओके सो कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर, मतलब m की वैल्यू, मास ही बोलो या लीनियर डेंसिटी बोलो, m हमें फाइंड करना है। तो रिलेशन हमें पता है 1/12 √t/m। ओके सो यहाँ पे n मतलब फ्रीक्वेंसी दी है 100 इज इक्वल टू 1/2, l की वैल्यू दी है 0.5। ओके √ टेंशन कितना है 5 × 9.8, और m की वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अभी देखो ये इतनी टर्म, मतलब हमारी जो इतनी टर्म है ये क्या है 0.5 मतलब आधा होता है, ये 1/2 मतलब ये भी आधा, आधा एंड आधा क्या होता है 1 होता है, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ ये होगा 100। ओके इज इक्वल टू ये √ में इसको कैलकुलेट करती हूँ तो ये क्या होगा 49 डिवाइडेड बाय m होगा। ओके सो स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड, ये इसको स्क्वायरिंग करती हूँ मतलब ये क्या होगा 100 का 10^2, अगर 10^2 का स्क्वायर करती हूँ तो ये क्या होगा 10^4 इज इक्वल टू ये क्या होगा 49 और ये m, सो m इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 10^4। ओके सो m इज इक्वल टू मतलब ये 49 × 10^-4 kg
केजी पर मीटर भी ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज एम इज इक्वल टू 4.9 इंटू ए डेसिमल 10^-3 ये केजी पर मीटर, ये भी हमारा एक फाइनल आंसर है। ओके, आई होप आपको 23 न्यूमेरिकल्स क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, 24 वाला। सो लास्ट वाला न्यूमेरिकल देखो, 24 आपके स्क्रीन के ऊपर। अ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार इज 18 सेंटीमीटर, मतलब उसकी लेंथ दी है गिटार की स्ट्रिंग की एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, 18 सेंटीमीटर दिया है, तो 8 सेंटीमीटर मतलब हम कंसिडर कर सकते हैं गिटार की स्ट्रिंग, तो यहाँ पे एल सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करके मतलब SI में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 0.8 मीटर। ओके, तो उसके बाद क्या दिया है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मतलब एन की वैल्यू दी है 112 हर्ट्ज इतनी। ओके, सो इसको मैं N1 कंसिडर करती हूँ, बिकॉज आगे क्या दिया है हमें, इफ द गिटारिस्ट विशेज टू प्रोड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज, मतलब उस पर हमें 160 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब N2 इज इक्वल टू क्या दिया है 160 हर्ट्ज हमें दूसरी फ्रीक्वेंसी दी है। वेयर शुड बी द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग, मतलब उस पर्सन को कितना स्ट्रिंग मतलब उसका स्ट्रिंग जो है वो कहाँ पे रखना चाहिए। सो N वाला फॉर्मूला है N इज इक्वल टू 1/2L √T/M, ये हमारे पास रिलेशन है। सो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, लेंथ के साथ, ये हमने लॉ पढ़ा था। ओके, सो क्योंकि हमें अभी एक गिटार की स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो उसका टेंशन और मास तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट उसकी जो लेंथ है एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। ओके, सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, मतलब ये N1/N2 इज इक्वल टू ये क्या होगा L2/L1। ओके, अभी कुछ देर पहले बताया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है तो ये रिवर्स में रहेगा L2/L1, अगर ये डायरेक्टली रहता है तो L1/L2 लिखते हैं हम लोग। तो अभी इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो देखो, वैल्यूज पुट करेंगे, N1 की कितना है 112 इतनी। ओके, ऑलरेडी गिवन में सभी दिए, N2 दिया है 160 इज इक्वल टू, फिर ये L2 हमें फाइंड करना है, L1 की कितनी दी है 0.8 दी है। ओके, सो L2 अगर हमें कैलकुलेट करना है 112 इंटू 0.8, ओके, ये होगा 160, इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है ओनली। सो L2 इज इक्वल टू 112 इंटू ये 8 × 10^2, यहाँ पे देखो ये एक डेसिमल पॉइंट है, मैं इसको 8 लिखती हूँ और ये 16 लिखती हूँ, मतलब ये 10^-1 होगा। ओके, और ये नीचे भी है तो ये इसको डायरेक्टली मैं 10^-2 रख रही हूँ और नीचे मैं 16 लिख रही हूँ। ओके, सो L2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करती हूँ, 8 × 1 = 8, 2 = 16, मतलब ये होगा 112 / 2 × 10^-2, सो L2 इज इक्वल टू डायरेक्टली 56 × 10^-2 मीटर हो जाएगा, मतलब L2 इज इक्वल टू मीटर का सेंटीमीटर में मतलब 56 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें L2 ही फाइंड करना था तो हमारा L2 निकल गया 56 सेंटीमीटर इतना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो अभी मैंने सभी न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। Thank you.